इसमें एक बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम रिजेक्ट करते हैं एनपीआर, एक बात ये। दूसरा ये कि जो नन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये इनका टोटल अगर देखा जाएगा तो 58% एरिया इनके पास है कंट्री का, उनसे ये कहा जाता है कि वो भी अब तक अपनी दुविधा को दूर करें और क्लियर दो टूक स्टैंड लें जो नहीं नज़र में आ रहा है, सिवाय दो सरकारों के बाकी जगहों से आधी बात हो रही है, तो वो उनसे कहा गया है कि आप क्लियर वो स्टैंड लीजिए। सर 1 अप्रैल इसको लागू किया जा रहा है, लोगों में बहुत पेश तो हम रिजेक्ट करते हैं इसको, आइडिया को, ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह चलाया जाएगा। आवाम तक कैसे लेके जाएगा? लोगों तक इसी तरह जाएगा, आपके जरिए से जाएगा। बात तो साफ की रखी है कि रिजेक्टेड एनपीआर जी, जरूरत पर आपसे पूछने चाहिए। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नारा लग रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो मैं समझता हूं कि बुनियादी बात यही है कि हम कागज हमको दिखाना नहीं चाहिए। अब रिजेक्ट की बात की गई है, वो थोड़ा माइल्ड लफ्ज है, रिजेक्ट से बात नहीं बनने वाली है। आप कुछ भी करिए, देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, दो तीन चीजें इसमें अहम है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जाग पड़ा है और ये किसी की कयादत में नहीं हो रहा है, ये जमीन से उठी आवाज है। जैसा मैंने कहा था कि खिलाफत मूवमेंट के बाद पहली बार हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा हो गया है और ये बुनियाद है इन जालिमों से आज़ादी दिलाने की। जो ये बार बार कहते हैं कि आज़ादी, किस बात की आज़ादी? अरे जुल्म के खिलाफ आज़ादी, इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वालों के खिलाफ आज़ादी, गांधी के तसव्वुर को ख़त्म करने के जो लोग धरपे हैं उनके खिलाफ आज़ादी। तो ये एक अच्छी कोशिश हुई है कि सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हमको इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस मूवमेंट ने मुसलमान को, या मुझको, मुझे ये फील होता है कि मैं इस मुल्क का एक बाशिंदा हूँ, इस तहरीक से ये साबित हुआ। क्योंकि 4 साल 5 साल से ये साबित कर दिया था बीजेपी और आरएसएस ने, पॉलिटिकल पार्टीज पे इतना प्रेशर डाल दिया था कि हम अछूत हो गए थे। अब वो शक्ल है कि हम आवाम, ख्वातीन हो या मर्द हो, मुसलमान ज़्यादा हैं, कयादत वो गैर मुस्लिम से करा रहे हैं। जैसे हमने गांधी को ढूंढ कर लाए थे, अब इन ख्वातीन ने और इस मूवमेंट ने सेकुलर हिंदुओं को सामने ला दिया है। ये एक इतनी बड़ी फतेह है हमारी इस मुल्क की जमीन की कि मोदी और सरकार जो चाहे कर ले, लेकिन हमको एक गांधी लोहिया भी दिख रहे हैं, गांधी भी दिख रहे हैं, अम्बेडकर भी दिख रहे हैं, आज़ाद भी दिख रहे हैं, और हमारे ऐसे चेहरे कहीं नहीं है। ये खुश नहीं बात है।